उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 2 में पिता ईश्वर कहते हैं, मैं तुम्हारे द्वारा महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा, तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारा नाम इतना महान बनाऊंगा कि वह कल्याण का स्रोत्र बन जाएगा। आज माता कलीसिया बड़े ही आदर और सम्मान के साथ सभी माताओं की आदर्श एवं संरक्षिका संत मोनिका का पर्व मनाती है। इस पर्व को सार्थक बनाने के लिए माताएं 9 दिन का नोवेना करती हैं तथा प्रार्थना एवं उपवास के द्वारा ईश्वर से जुड़े रहकर अपने बच्चों एवं परिवार के लिए प्रार्थना करती हैं। आज जब विश्व भर की सभी माताएं संत मोनिका का पर्व मना रही हैं, आइए हम सभी माताओं की याद करते हुए प्रार्थना करें। इस प्रार्थना का शुभारंभ हम आरती के द्वारा करें। मैया तेरी आरती से अंधेरा चले, मैया तेरी आरती से अंधेरा चले, भक्त के अंधेरे घर में रोशनी जले, भक्त के अंधेरे घर में रोशनी जले। जय जय मां मरियम, जय जय मां मरियम, जय जय मां मरियम, जय जय मां मरियम। आज 27 अगस्त माता कलीसिया संत मोनिका का पर्व मना रही है। संत मोनिका सभी माताओं की संरक्षिका संत है। संत मोनिका ने धैर्य के साथ प्रभु पर आस्था रखते हुए सभी माताओं के लिए उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया है। आज के दिन जब हम संत मोनिका की मध्यस्थता द्वारा पारिवारिक मुसीबतों में, जैसे पारिवारिक प्रार्थना का अभाव, रविवार को मिसा में भाग ना लेना, माता पिता के बीच लड़ाई झगड़े, मन मुटाव, मारपीट, गाली गलौज, बच्चों का माता पिता के प्रति आदर नहीं करना, माता पिता की आज्ञाओं को नहीं मानना, बच्चों के प्रति माता पिता का सही उदाहरण नहीं देना, इन सभी बुराइयों के लिए संत मोनिका की मध्यस्थता द्वारा आइए हम सभी माताओं के लिए प्रार्थना करें। हे संत मोनिका माँ और पत्नी, आप सभी माताओं के लिए विनय करिए ताकि वे कर्तव्य ईमानदारी एवं प्रेम से निभाने के लिए ईश्वर से हमारी सभी माताओं के लिए प्रार्थना करें। मेरा मन धो दीना प्रभु विनती करूं बारंबार, मेरा मन धो दीना प्रभु विनती करूं बारंबार, मन मेरा हो गया पापों से मैला, मन मेरा हो गया पापों से मैला,
ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। वह हमारी आत्माओं के अंतरतम तक पहुँचता और हमारे मन के भावों तथा विचारों को प्रकट कर देता है। आइए अभी हम प्रभु के वचन को सुनने के लिए स्वयं को तैयार करें। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र से पाठ, अध्याय एक, पद संख्या 2-9 तक। आप लोग ईसा मसीह द्वारा पवित्र किए गए हैं और उन सबों के साथ संत बनने के लिए बुलाए गए हैं जो कहीं भी हमारे प्रभु ईसा मसीह अर्थात अपने तथा हमारे प्रभु का नाम लेते हैं। हमारा पिता ईश्वर और प्रभु ईसा आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करे। आप लोगों को ईसा मसीह द्वारा ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त हुआ है, इसके लिए मैं ईश्वर को निरंतर धन्यवाद देता हूँ। मसीह का संदेश आप लोगों के बीच इस प्रकार दृढ़ हो गया है कि आप लोग मसीह से संयुक्त होकर अभिव्यक्ति और ज्ञान के सब प्रकार के वरदानों से संपन्न हो गए हैं। आप लोगों में किसी कृपादान की कमी नहीं है और आप हमारे प्रभु ईसा मसीह के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ईश्वर अंत तक आप लोगों को विश्वास में सुदृढ़ बनाए रखेगा, जिससे आप हमारे प्रभु ईसा मसीह के दिन निर्दोष पाए जाएं। ईश्वर सत प्रतिज्ञा है, उसी ने आप लोगों को अपने पुत्र हमारे प्रभु ईसा मसीह के सहभागी बनने के लिए बुलाया। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके
के साथ भी। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। उस समय स्वर्ग का राज उन 10 कुवारियों के सदृश होगा जो अपनी अपनी मशाल लेकर दूल्हे की अगवानी करने निकली। उनमें से 5 ना समझती और 5 समझदार। ना समझ अपने मशाल के साथ तेल नहीं लाई, समझदार अपने मशाल के साथ साथ कुपियों में तेल भी लाई। दूल्हे के आने पर देर हो जाने पर सब ऊँगने लगी और सो गई। आधी रात को आवाज़ आई, देखो दूल्हा आ रहा है, उसकी अगवानी करने जाओ। तब सब कुवारियाँ उठीं और अपनी अपनी मशाल संवारने लगी। ना समझ कुवारियों से समझदारों से कहा, अपने तेल में से थोड़ा हमें दे दो क्योंकि हमारी मशालें बुझ रही हैं। समझदार ने उत्तर दिया, क्या जाने कहीं हमारे और तुम्हारे लिए तेल पुराना हो। अच्छा हो तुम लोग दुकान जाकर अपने लिए खरीद लो। वे तेल खरीदने गई थी कि दूल्हा आ पहुंचा और तैयार थी। उन्होंने उसके साथ विवाह भवन में प्रवेश किया और द्वार बंद हो गया। बाद में शेष कुवारियाँ भी आकर बोली, प्रभु हमारे लिए द्वार खोल दीजिए। इस पर उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम ना तो वह दिन जानते हो और ना वह घड़ी। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। प्रभु की जय। ख्रिस्त में प्यारी माताओं, आप सबों को संत मोनिका के दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के दोनों पाठों में हमें प्रभु के संदेश में दृढ़ होकर अपने आगमन की प्रतीक्षा के लिए निमंत्रण देते हैं और इस समय में आने वाले सभी मुसीबतों एवं कष्टों में हिम्मत ना हारें बल्कि ईश्वर पर अंत तक सुदृढ़ बने रहकर पूर्ण निष्ठा एवं प्रार्थना द्वारा प्रभु के विश्वस्त दासी के रूप में जीवन जीने के लिए बुलाते हैं। यही गुण हम संत मोनिका के जीवन में भी भली भांति अनुभव कर सकते हैं। संत मोनिका ने 1 साल या 2 साल नहीं बल्कि 17 साल तक धीर बनी रही और तभी उसे खुशी और सांत्वना की नई किरण दिखाई पड़ी। प्यारी माताओं, जिस प्रकार संत मोनिका ने अपने जीवन प्रार्थना एवं तपस्या द्वारा परिवार को प्रभु के प्रेम में एवं विश्वास में दृढ़ बनाए रखा, उसी प्रकार आप भी अपने परिवार को संत मोनिका के आदर्शों को अपनाते हुए अपने विश्वास प्रार्थना एवं तपस्या के बल पर अपने परिवार का विश्वास प्रभु यीशु में दृढ़ बनाए रखें। पुनः आप सबों को संत मोनिका के दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रभु का वचन कहता है, तुम विश्वास करो और विश्वास के साथ प्रार्थना में जो कुछ भी मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। प्रभु पर भरोसा और आस्था रखते हुए संत मोनिका की मध्यस्थता द्वारा आइए हम अपनी सभी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु के समक्ष रखें। हे प्रभु, संसार भर की सभी माताएं
परिवार को सजाने वाली माता बन जाएं। उनकी कार्यकुशलता स्वस्थ ही परिवार की सुंदरता बन जाए और सभी माताएं अपने कार्यकुशलता आचरण द्वारा परिवार में आदर्श जीवन प्रस्तुत कर सकें, इसके लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हमारे धर्म प्रांत की सभी माताएं संत मोनिका की भांति त्यागमय एवं प्रार्थनामय जीवन द्वारा बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाएं और सभी बच्चे आज्ञाकारी बनकर माताओं के लिए सहारा बन जाएं, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। प्रभु, उन सभी माताओं के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपनी संतानों के दुराचरण द्वारा प्रताड़ित की जाती है, यातनाएं सहती हैं। हे प्रभु, संत मोनिका के समान धैर्यवान, सहनशील एवं विश्वास में अटल बना दे, इसके लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु, जो माताएं रोगग्रस्त हैं उनको उचित चिकित्सा मिल सके एवं कष्टों का सामना करने का साहस मिले, जिससे वे ईश्वर की चंगाई का अनुभव कर सके, इसके लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु, जो माताएं पति की मृत्यु के कारण अकेले ही परिवार का सहारा भर संभाल रही हैं, उनका सहारा बन, जिससे वे आप पर भरोसा रखते हुए हर परिस्थिति में धैर्य के साथ आगे बढ़ सके, इसके लिए हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, सभी निसंतान माताओं को संतान का वरदान दे, जिससे वे भी माँ बनने के सौभाग्य से पूर्ण होकर समाज की बुरी नज़र से बचकर खुशी एवं सुखमय जीवन जी सके, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें।
सभी माताएं संत मोनिका को आदर्श मानकर आत्मसमर्पण के रूप में अपनी प्रतिज्ञा दोहराएंगी। हे प्रभु येसु, प्रभु येसु, हमारे मुक्तिदाता, हमारे मुक्तिदाता, हमें कृपा दे, हमें कृपा दे कि हम इस कैथलिक महिला संघ की, कि हम इस कैथलिक महिला संघ की सक्रिय सदस्य बनकर, सक्रिय सदस्य बनकर तेरा राज्य फैलाने में, तेरा राज्य फैलाने में सक्षम हो सकें, सक्षम हो सकें। महिला संघ के उद्देश्यों का, महिला संघ के उद्देश्यों का यथाशक्ति पालन कर, यथाशक्ति पालन कर उनके प्रति, उनके पूर्ति, उनके पूर्ति के लिए, उनके पूर्ति के लिए सचेत रहें, सचेत रहें। माता मरियम की, माता मरियम की तरह, तरह कलीसिया और देश की, कलीसिया और देश की सेवा में तत्पर रहें, सेवा में तत्पर रहें। हे संत मरिया, हे संत मरिया, हमें मदद दे, हमें मदद दे कि हम अपनी बात, कि हम अपने बात, विचार, विचार और व्यवहार में, और व्यवहार में ईमानदार हों, ईमानदार हों, वात्सल्यपूर्ण, वात्सल्यपूर्ण, सजग एवं, सजग एवं बुद्धिमती माता बने, बुद्धिमती माता बने। माता कलीसिया की, माता कलीसिया की विश्वसनीय पुत्रियां सिद्ध हों, विश्वसनीय पुत्रियां सिद्ध हों। हे संत मोनिका, हे संत मोनिका, हमें सहायता दे, हमें सहायता दे कि हम दैनिक जीवन में, कि हम दैनिक जीवन में तेरा अनुसरण कर सकें, तेरा अनुसरण कर सकें और प्रभु येसु को, और प्रभु येसु को अपने परिवार के, अपने परिवार के आध्यात्मिक जीवन का, आध्यात्मिक जीवन का केंद्र बना सकें, केंद्र बना सकें। आमीन, आमीन। अब मैं हमारे महामहिम बिशप स्वामी जी से अनुरोध करती हूँ कि आप आए और अपने वचनों से हमें आशीर्वादित करें। प्रभु क्रिस्त में मेरे प्रिय बहनों और माताओं, आज बड़े भक्ति उत्साह और उमंग के साथ आप सब यहाँ एकत्रित हैं संत मोनिका का पर्व दिवस मनाकर। हमारे धर्म प्रांत के सभी माताओं के लिए प्रार्थना करने के लिए, हमारे पल्ली के, हमारे परिवारों में सभी माता बहनों और सभी स्त्रियों के लिए प्रार्थना करने के लिए आप यहाँ उपस्थित हैं। आप सबको इस सुंदर पर्व दिवस का शुभकामना और ईश्वर की ओर से ढेर सारा आशीर्वाद मिले। आप जान रहे हैं चारों तरफ का वातावरण क्या है, बीमारी महामारी, जानलेवा महामारी का वातावरण है। अन्य चिंताओं से हटकर जो तत्कालीन चिंताएं, जो तत्कालीन कष्ट और तकलीफ जो परिवार में हैं, इसका भार और इसका बोझ और इसकी जिम्मेदारी अधिकतम उठाने वाला व्यक्ति उस घर की स्त्री है, उस घर की नारी है, उस घर की माता है। तो स्वभावतः एक माँ के ऊपर, एक स्त्री के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस बात को हम प्राकृतिक से सीखते हैं, इस बात को
बाइबल से आदि पुस्तक से हम सीखते हैं और इसको हम नए व्यवस्थान में भी सीखते हैं और इसको हम कलीसिया के परंपरा में भी सीखते हैं। और सबसे बड़ा आदर्श संत मोनिका, जो संत अगस्तीन की माँ थी, उससे हम सीखते हैं। संत अगस्तीन को एक सच्चा पुत्र, संत अगस्तीन को एक कलीसिया का एक अच्छा पुरोहित और विश्व के इस एक अच्छा विज्ञात विश्वासी चिंतक और पंडित बनाने का श्रेष्ठ जो जिम्मेदारी निभाई वो मोनिका है। मोनिका उसको क्लास लेकर या रोज रोज शिक्षा देकर या रोज रोज उसकी काउंसलिंग कर इसमें सफलता नहीं पाई। आप जानते हैं सिर्फ अपने त्याग, तपस्या और सिर्फ अपने प्रार्थना द्वारा इस बात पर उसने सफलता पाई और बिगड़ा हुआ उस बेटे को एक सच्चा पुरुष बनाया। गया गुजरा एक इंसान को एक पुरोहित बना दिया और उस पुरोहित एक विद्वान बना और कलीसिया के लिए, कलीसिया के चिंतन के लिए, कलीसिया के शिक्षा के लिए एक तगड़ा स्तंभ बना है। आज भी वो माना जाना स्तंभ है। तो आप समझ सकते हैं त्याग, प्रार्थना और तपस्या का महत्व क्या है। प्रिय बहनों और प्रिय माताओं, आज के दुनिया में चाहे सब कुछ रहे, चाहे हमारे पास जितना भी पूंजी रहे, जितना भी धन रहे, यदि ईश भावना हमारे दिल में नहीं है, भक्ति हमारे दिल में नहीं है, प्रार्थना का उत्साह हमारे दिल में नहीं है और त्याग करने का जिज्ञासा यदि हमारे दिल में नहीं है, हम न केवल परिवार की, समाज का हो या देश का हो या सारी कलीसिया का हो, नेतृत्व नहीं कर सकते। ये पुरुष और स्त्री का सवाल नहीं बल्कि भावनाओं की, सद्गुणों का सवाल है और ईश्वर का देन है। ये सद्गुण स्त्री में, ये सद्गुण माताओं में और बहनों में प्रभु ने प्राकृतिक रूप से ही, अपनी इच्छा से ही वो दे रखा है। उसका आदर्श माँ मरियम है और उसके पीछे संत मोनिका है। और हम मानते हैं, हम चाहते हैं हर परिवार में, घर घर में माता बहनें इस बात को जानें, इस बात पर गर्व करें और इस बात को स्वीकारें और अपना जो कर्तव्य है और अपना जो सौभाग्य है इसको पूर्ण रूप से गर्व के साथ प्रभु को धन्यवाद देते हुए, खुदा को धन्यवाद देते हुए और कुदरत की प्रशंसा करते हुए इस बात को, इस जिम्मेदारी को निभाना है। हमारा संत मोनिका का पर्व मनाने का मकसद यही है। हम खुद एक सद्गुणों का साधन बने, हम खुद एक अच्छे परिवार के निर्माण में एक यंत्र बने, हम खुद माँ मरियम जैसे उसका एक रूप बने, हम खुद माँ कलीसिया जैसे एक व्यक्तिगत कलीसिया बन जाए जिससे कि परिवार का निर्माण सुचारू रूप से हो, कलीसिया का निर्माण सुचारू रूप से हो, विश्व का निर्माण सुचारू रूप से हो। आज जब ये आप लोग 9 दिन नवेना कर, 9 दिन मैं समझता हूँ आप लोगों में कई लोगों ने उपवास भी किया है नवेना के साथ साथ और इस दिन के लिए तैयारी की है, आप सबको मैं बधाई देता हूँ, प्रभु के चरणों में अर्पित करता हूँ। न केवल आज के संकट में बल्कि आने वाले और आने वाले भावी दिनों में भी, चाहे जितना भी चुनौतियाँ हमारे सामने आए परिवार के संचालन में, हम आगे रहें। यदि स्त्री आगे नहीं है,
यदि माँ आगे नहीं है, यदि बहनें यदि आगे नहीं हैं, निर्माण कार्य परिवार का उतना सरल नहीं है, उतना सरल नहीं है, कभी कभी असंभव सा लगता है। ये सच है और इसको मानना है और इसको स्वीकार कर इस जिम्मेदारी को हमें निभाना है। प्रभु ईश्वर इसके लिए आशीर्वाद देता है, प्रभु ईश्वर इसके लिए हमें चुनता है। ठीक उसी प्रकार माँ मरियम को चुनकर उसे धन्य बनाया, हमें चुनकर धन्य बनाया, हमें सद्गुणों से उसने विभूषित किया, हमें हमें सहानुभूति है, हमें कोमलता है, हमें विनम्रता है और हमें उदारता है। ये सच में माँ है, ये सच में स्त्री है और खामोश रहकर भी बहुत कुछ बोलती है, वो झुककर भी बहुत कुछ गरीबों को उठाती है और सहकर भी सबको सराहना देती है। यह है माँ, यह है स्त्री और यह है हमारी बहन। तो प्रभु ने ये वरदान हमें दिया है, इस वरदान को हम 100 गुना 200 गुना फल उत्पन्न करने में विवेकपूर्ण मन से, विवेकपूर्ण दिल से और उदार भावना से हम करें। उन नारियों की तरह हम सुस्त ना हो जाएं, हमेशा सतर्क रहें, जागरूक रहें। छोटी छोटी बातों में भी हमें जागरूक रहना है, तब परिवार एक सुंदर कलीसिया बनता है और कलीसिया एक सुंदर प्रभु येसु क्रिस्त का स्वस्थ शरीर बनता है। यही पिता ईश्वर की इच्छा है और पिता ईश्वर हमसे यही चाहता है। हम पुनः एक बार धर्म प्रांत के सभी माताओं को बधाई देते हैं। आपका विश्वास प्रशंसनीय है और आपका विश्वास कलीसिया के निर्माण के लिए अनिवार्य है। आपका त्याग, आपका प्रार्थना, आपका सहभागिता से लेकर ही कलीसिया आगे बढ़ेगी। तो आइए हम प्रभु को आज धन्यवाद दें, दिल से माँ मरियम की ओर देखें, उनके मस्तिष्कता का जो उदाहरण है उससे सीखें और संत मोनिका जो है हमारे सामने उसे दीदी मानिए, उसे माँ मानिए, उसे बहन मानिए, वो हमारे लिए आदर्श है और उससे सीखें। तो उससे सीखकर उसके सद्गुणों को अपनाकर हमारे परिवारों को संवारें और हमारे कलीसिया को संवारें, सारे विश्व को एक सुंदर जगत बनाएं। वही ईश्वर राज्य की स्थापना है, वही ईश्वर राजा की तरह राज करता है। पुनः एक बार आप सबको धन्यवाद और शुभकामनाएं और ईश्वर की ओर से आशीर्वाद। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें माँ मरियम के द्वारा और आशीर्वाद मांगें। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करें। आप सभी डाले प्रभु का शांति आपके साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।
आदरणीय स्वामी जी, मैं हमारी सभी माताओं की ओर से आपके आशीर्वचन एवं उत्साह के लिए धन्यवाद देती हूँ। विशेषकर यह ऑनलाइन प्रोग्राम प्रस्तुति के लिए आपको सहृदय धन्यवाद।